सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। स्वतंत्रता दिवस, अंग्रेजों से आज़ाद होने के दिन को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में जानते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आज़ादी मिली, तब से हर वर्ष इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन परेड, झंडारोहण समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दिन लोग आपसी बैर भुलाकर एक दूसरे के साथ इस राष्ट्रीय त्यौहार को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिलाने वाले शहीदों को हम याद करते हैं और उनके बलिदान के लिए हम उन्हें नमन करते हैं। इस दिन सभी जगहों पर पैनी नज़र रखी जाती है कि कोई अप्रिय घटना न घटित हो जाए। स्कूल और कॉलेजों में निबंध लेखन, कविता लेखन और नाटक जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत की तीनों सेनाओं द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, जिसका दृश्य बहुत ही आकर्षक होता है। शाम के समय लोग शहीद स्मारकों पर इकट्ठे होते हैं और शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ घूमकर, देशभक्ति फिल्में देखकर और देशभक्ति गीत सुनकर इस दिन का आनंद लेते हैं। दोस्तों, आज के व्यस्त जीवन में लोग देश के उन वीर क्रांतिकारियों को भूल रहे हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज के इस खुले और स्वतंत्र वातावरण में जीने का सौभाग्य दिया है। ये आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को उन महापुरुषों की जीवनी से अवगत कराएं। हम सभी को शहीदों एवं महापुरुषों द्वारा किए गए कार्यों को याद रखना चाहिए और उसी पथ पर चलते हुए जिस तरीके से हम कर सकते हैं अपने देश की सेवा करनी चाहिए। ये पर्व हम सभी भारतीयों को भाईचारे और सद्भावना के साथ मिलजुल कर मनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।